नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। बोध गया से एक ऐसा मामला आया सामने जहां मात्र 10 ml शराब मिलने पर एक विदेशी यात्री पहुंचा हवालात। बोधि मंदिर में होती है कई तरह की तांत्रिक पूजा जहां कई लोग चढ़ाते हैं शराब। इसको लेकर रूसी महिला भी ले जा रही थी 10 ml शराब, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, पहुंचाया हवालात। नवादा में हनी ट्रैपिंग के जरिए युवक का हुआ था अपहरण, मांगी गई थी 40 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने किया मामले का खुलासा, महिला समेत 4 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। झारखंड के झुमरी तलैया से किया गया युवक को सकुशल बरामद। मुंगेर में अभी यूरिया के लिए हाहाकार, 20 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है यूरिया, किसान परेशान। छपरा में महिला कांस्टेबल ने खुद को मार ली गोली, एसपी ने बताया पारिवारिक कारणों से लेडी कांस्टेबल चल रही थी परेशान, जिस कारण उसने उठाया यह कदम। घायल कांस्टेबल को पहुंचाया गया सदर अस्पताल, इलाज जारी। जमुई से अनोखा मामला आया सामने, जुए की लत और कर्ज से परेशान रघुनंदन घर छोड़कर चला गया था नेपाल। पिछले 23 साल से उसकी पत्नी जी रही थी विधवा की जिंदगी, 23 साल के बाद लौटे रघुनंदन, ठठेरा के घर लौटी खुशियां। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बोले गिरिराज सिंह, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले के साथ खड़े हैं नीतीश कुमार। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब, बक्सर के घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ठंड के बावजूद नेपाल उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों से भारी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। बिहार के अफसरों का कारनामा जारी, रिटायर्ड आईएएस एसएम राजू भेजे गए जेल, करोड़ों के गमन का आरोप, केपी रमैया भी रडार पर। मधेपुरा में जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष की हत्या पर बवाल, आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर किया पत्थरबाजी, पत्रकार और 4 पुलिसकर्मी घायल। बक्सर की बेटी तानिया का खेलो इंडिया में दूसरी बार हुआ चयन, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया में लेंगी हिस्सा, 3 बार रह चुकी है नेशनल चैंपियन। दानापुर में हुए राहुल कुमार मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, उधार नहीं लौटाने के लिए दोस्त ने ही करवाई थी हत्या। राहुल कुमार हत्याकांड में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। पटना डेंटल कॉलेज में अब नए सत्र में बीडीएस और एमडीएस के छात्र छात्राओं के नामांकन का रास्ता हुआ साफ, नहीं हुई मान्यता रद्द। 2 माह पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने संसाधनों की कमी के चलते इस कॉलेज को मान्यता रद्द करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की थी सिफारिश। दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती है उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक संजय टाइगर, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल और बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान ने की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, बिहार की राजनीति में अटकलबाजियों का दौर हुआ शुरू। पटना में हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 जनवरी को पटना के परसा बाजार थाना के महुली हाल्ट के पास हुई थी प्रेम कुमार पासवान की हत्या, मामले में पटना पुलिस कर रही है छानबीन। बांका में मुस्लिम लड़के को गांव के ही हिंदू युवती से प्रेम करना पड़ा महंगा, युवक के हत्या के आरोप में पुलिस ने युवती सहित उसके पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र का है मामला। कटिहार जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर हुआ पथराव, केवल 21 दिन पहले शुरू हुई इस रेलगाड़ी पर पथराव किए जाने की यह है 4th घटना। रेलवे ने इसके बारे में स्थानीय पुलिस से संपर्क कर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच करने का दिया निर्देश। सर्कस वाले लड़के की दीवानी थी लड़की, ग्रामीणों ने पकड़ा और मंदिर में करा दी शादी, जहानाबाद का है मामला। गोपालगंज में जनसुराज पदयात्रा के दौरान बोले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, बोले यही है नीतीश कुमार की सच्चाई। पूर्णिया में पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका कुख्यात बदमाश पवन सिंह को एसटीएफ की टीम ने टिक्का पट्टी से किया गिरफ्तार, पवन सिंह पहले था आरपीएफ का जवान लेकिन पिता के हत्या के बाद आरोपी को गोली मारकर अपराध की दुनिया में रखा था कदम। और दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बैंक लूट की साजिश रस्ते 8 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और दर्जनों की संख्या में बाइक जब्त। अभी के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।